नमस्कार, आदर्श शिक्षण संस्थान की ऑनलाइन कक्षाओं में आपका हार्दिक स्वागत अभिनंदन। आज हम कक्षा तृतीय विषय गणित अभ्यास 1.4 करने जा रहे हैं। इससे पूर्व हमने अभ्यास 1.1, 1.2 और 1.3 किए थे, आज हम अभ्यास 1.4 करेंगे। जो हमने पिछले अभ्यासों में काम किया उसी तरह का काम इस अभ्यास में भी चल रहा है। इसमें पहला प्रश्न हमारी है, छुट्टी हुई संख्याएं लिखिए, यानी हमें गिनती आ रही है उसी की जानकारी ले रहे हैं ये प्रश्न कि हमें गिनती कहां तक आ रही है, 500 तक आ रही है या नहीं आ रही, उसी के बारे में जानकारी लेने वाला प्रश्न है कि आपको गिनती कहां तक आती है। जैसे आपको कोई पूछे ये कितने हैं, आप बोलेंगे 414। 414 तो 414 वाली यहां लाइन लिखनी आगे, 414 के बाद क्या आते हैं, 415, 416, 417 लिखे हुए, ये नहीं लिखने हैं। इससे आगे 418, 419, 420, 421 और 422। इस तरह ये गिनती बड़ी आसान है, आप घर पर अभ्यास करेंगे, बार बार अभ्यास करेंगे सीख जाएंगे। 401 कितने हैं, 431, 432, 433, 434, 435 और ये 436। तो 436 के बाद 437, 438, 439, 478, 478 के बाद आते हैं 479, 480, 480 के बाद 481, 482, 483, 484, 485, 486, 454, 454 के बाद 455, 456, 457, 458, 459 लिखे हुए हैं। इसके बाद आएंगे 460, 461, 462। अब 491, 491 के बाद 492, 493, 494, 495, 496, 497, 498 और 499। ये गिनती है। अब गिनती लिखने का भी एक आसान तरीका होता है, जैसे हमने लिखे ये कितने हैं, आप बोलेंगे भेज लिए तो 41। अगर हम इसके आगे 4 लगा तो क्या हो गया, 441। अगर 6 लगा दें तो क्या हो गया, 641। अगर 1 लगा दें तो 141। इकाई इकाई सैकड़े, सैकड़े के स्थान पर जो अंक लगता है इतने 100 हो जाते हैं, यानी 8 सैकड़ा हुए 841। 9 लगे तो 941। तो इस तरह सैकड़े के स्थान पर जो अंक लगता है वो उतने 100 कहलाता है। इसी में हमारा दूसरा प्रश्न है, आगे बढ़ाइए, आइए इन्हें आगे बढ़ाएं। कुछ संख्याएं दी गई है उनको इसी तरह आपको आगे बढ़ाना है, जैसे 421, 422, 423, 424, एक संख्या लिखे छोटा सा कॉमा, 425, 426, 427, 428, 429, इस तरह आपको लगातार इनको आगे बढ़ाना है। 438 इसके बाद आता है 439, 440, 441, 442, 443 या 43, 444, 445, 446, इस तरह आप लगातार इन्हें आगे बढ़ाएंगे। आगे हमारे प्रश्न है तीसरा, वो हल करते हैं। तीसरा प्रश्न है बड़ा सरल, उसने पहले और बाद की संख्या बतानी है आपको,
अंक दिए हुए हैं, पहले के अंक और ठीक बाद के अंक बताने। संख्या के प्रश्न लिखो, संख्या के ठीक बाद में आने वाली संख्या, यानी कुछ संख्या दी हुई है, आपको क्या करना है उसके बाद आने वाली संख्या लिखनी है। यहां लिख देते हैं हम संख्या और ऐसे लाइन खींचेंगे, एक छोटे से चौकड़ी बन गई, और यहां लिख दो बाद में। अब देखो कुछ संख्या लिखी हुई है 413, इस तरह एक छोटी सी तालिका बन गई, और इसमें लिखे हुए 465, 489, 432 और 493। अब आपको पूछा है कि 413 के बाद क्या आता है, यानी पूछे कि 5 के बाद क्या आता है, तो आप सीधा से बता सकते हैं कि 6। तो 413, 13 के बाद क्या आता है 414, बड़ा आसान है। 465 आपसे पूछे कि 465 के बाद क्या आएगा, तो आप बताएंगे 466। 489, 489 के बाद आते हैं 490। 432, 432 के बाद आता है 433। 493, 493 के बाद आता है 494। इस तरह ये बड़ा आसान प्रश्न है, यानी इसमें बाद में आने वाले कारण आपको बताने हैं। और चौथा प्रश्न है वो हम सीखेंगे हिंदी अंकों में गिनती, भारतीय अंकों में गिनती, वो आप 1 से 100 तक सीख लेंगे तो बड़ी आसानी से। 1 से 10 तक सीखना पहले, उसके बाद वो अंक होते हैं हिंदी अंकों में गिनती। ये प्रश्न है माना, प्रश्न क्या, हिंदी अंकों में गिनती, यानी हमें हिंदी अंकों का ज्ञान होना चाहिए, जैसे 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 और 10। इस तरह ये 1 से 10 तक अंक हुए। अगर आपने अभ्यास करके ये सीख लिया अंक, तो फिर आप 1 से 100 तक गिनती आराम से लिख सकते हैं, यहां 100 तक, यानी लगातार ये अंक आएंगे। आगे आपसे पूछा 11 वाली लाइन, 21 वाली लाइन, 31 वाली लाइन, 41, 51, 61, 71, 81 और 91। इस तरह आप लगातार अभ्यास करेंगे तो 1 से 100 तक गिनती बड़ी आसानी से लिख सकते हैं, यानी 1 से 10 तक आपको सीखने, उसके बाद अभ्यास करना कि 1 से 100 तक लिखें। तो बार बार आप अभ्यास करेंगे 1 से 100 तक गिनती बड़ी आसानी से सीख सकते हैं। तो आज की क्लास में 4 प्रश्न किए, अगले क्लास में आगे और काम।